हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से और कुशल मंगल से होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। और आज है दिन फ्राइडे, शुक्रवार, और वैभव लक्ष्मी माता का मैंने व्रत रखा है। अभी ये ड्यूटी पे है, आएंगे तो बहुत चिल्लाएंगे मुझे, क्योंकि बोल रहे थे मतलब तबीयत नहीं ठीक है तो मत रखो, पर इतनी भी नहीं खराब है जब हम इतना काम कर लेते हैं अपना। तो फिर मुझे लगा मैं व्रत भी रख ही लूँ, तो मैंने रख लिया है। अभी इनको पता नहीं है, ये सुबह चले गए थे तो बताया नहीं था, और सभी चले गए हैं, कोई भी घर में नहीं है, एकदम घर खाली है। मैं अकेले हूँ, थी अक्सर यहाँ बैठ जाती हूँ, और चावल लेके आई थी और काम सारे कर लिए हैं सुबह के, सब निपट गया है। तो मैंने कहा यहाँ बैठे बैठे थोड़ी देर चावल भी साफ करूंगी, और जब अकेले हो जाती हूँ ना तो यहाँ थोड़ा सा रोड पे सब आते जाते रहते हैं, और यहाँ अपने पौधे, आप लोग कहेंगे जब से पौधे क्या लगा लिया तो यही, तो यहाँ बैठ जाती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। पहले भी बैठा करती थी, अब थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो यहाँ थोड़ी देर बैठ के रोड पे ऐसे देखते देखते मेरा कुछ ये चावल वगैरह, जैसे कभी प्याज लहसुन वगैरह लेके बैठ गई या चावल लेके बैठ गई, जो साफ ऊफ करना है कुछ करना, तो यही क्योंकि झाड़ू पोछा साफ सफाई हुआ रहता है, तो कहीं भी बैठ जाओ दिक्कत नहीं है और सुकून मिलता थोड़ा सा। और अभी आने में इन लोग को टाइम है, तब तक मैं अपना काम वगैरह कर लूँ। और तो अभी बना रही हूँ मैं फलहार, मतलब अपने लिए व्रत है तो कुछ बंदोबस्त कर लिया जाए खाने पीने का जुगाड़। और मूंगफली फ्राई कर ली है, हल्का सा घी डाल के निकाल लिया है, फिर थोड़ा सा जीरा डाला है। तो मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। तो उसके बाद बस जीरा डालने के बाद थोड़ा सा अदरक मिर्ची, और उसके बाद कड़ी पत्ता ये डाल दिया था, और उसके बाद टमाटर डाल दिया है। ये बनाना इजी भी है, आसान भी है, और टेस्टी भी लगता है, और व्रत में खा लो तो थोड़ी देर मतलब फिर समय पार हो जाता है, फिर भूख नहीं लगती है जल्दी। और यहाँ पर फिर मैंने आलू डाल दिए हैं, बॉयल आलू छील के रखे थे काट के, वो डाल दिए हैं, और थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ तो शाम के लिए बच्चों को रख दूँगी, शाम के समय में खा लेंगी। वैसे भी नाश्ते वगैरह में खाने में भी अच्छा लगता है। तब थोड़ा सा काली मिर्च पिसी हुई डाल दी है, और उसके बाद सेंधा नमक डाला है, फलाहारी नमक डाल दिया है। और पहले मैं व्रत में नमक नहीं खाया करती थी, लेकिन जब जब जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे कई चीज़ें बदलती जा रही हैं। और यहाँ पर साबूदाने को मैंने भिगो कर रखा था 2 घंटे पहले ही, कि बनाना है तो भिगो दिया था, धुल के रख दिया था, थोड़ा सा पानी 2-4 चम्मच पानी डाल के। और साबूदाना डालने के बाद फिर ज़्यादा नहीं चलाना है, मुश्किल से 2 मिनट तेज़ आंच पे ही सारी चीज़ें करते जाना है, और लास्ट में फ्राई करी हुई मूंगफली डाल देनी है, तब ये अच्छे खिले खिले से बनते हैं। और लास्ट में यहाँ पे धनिया पत्ती डाल दी है, और 1 नींबू का रस निचोड़ देंगे, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है, फलाहार में अच्छा लगता है, हेल्दी भी होता है। तो ये बस मेरा बन गया है, तैयार हो गया है। और अभी हो गया है शाम का टाइम, दिन में इतनी कड़ी धूप रहती है कि कपड़े सुबह के धुले हैं अब डाल रही हूँ, और कल के भी कपड़े थे क्योंकि कल बृहस्पतिवार था, तो मैं बृहस्पतिवार कपड़े नहीं धुलती हूँ। और अभी फूल वगैरह तोड़ के रख कर फिर जाऊँगी, शाम की तैयारी भी करूँगी अब। तो नहा धोकर हो गई हूँ तैयार पूजा करने के लिए, और आज प्रसाद मैंने पहले नहीं बनाया है तो अभी बनाने जा रही हूँ। और यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है, और 1 चम्मच घी डाला है भरकर, और इसमें 1 कटोरी सूजी डाली है, और इसको भूजना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए, मतलब थोड़ा थोड़ा सा लाल सा होने लगता है, उतना भूजना है। और यहाँ पर मैं 4 कटोरी इसमें दूध लूँगी, और ये जो बनाने जा रही हूँ ना, बहुत पहले मैं जैसे बच्चे जब देव दीपू छोटे थे ना, तो कई बार उनको मैंने टिफ़न में बनाकर भी दिया है, तो यहाँ पर ये कलर चेंज हो गया था सूजी का, तब इसमें जो 4 कटोरी दूध था वो डाल दिया है, और फुल क्रीम मिल्क लेंगे तो बढ़िया बनेगा। और उसके बाद 1 कटोरी इसमें डाल दी है मैंने चीनी भर के, जिस कटोरी से दूध सूजी सब नापा था उसी से 1 कटोरी भर के चीनी डाल दी है, और मलाई, फ्रेश मलाई जो निकाल के रखी थी वो डाल दी है, दूध की फ्रेश मलाई, आप थोड़ी और ज़्यादा हो, मैंने कल ही मक्खन वगैरह निकाल लिया था तो मलाई आज की बहुत ज़्यादा नहीं थी, जो भी थी डाल दी है।
और इसको बस चलाते रहना है सब कुछ, दूध और चीनी सब कुछ मलाई डालने के बाद, और लास्ट में जब एकदम सूखा सा हो जाए, लगे कि अब इसको उतारना है, तब इसमें डाल देना है इलायची पाउडर। और अब मैंने गैस बंद कर दी है, एकदम ये सूखा कढ़ाई छोड़ने लगता है ना, उतनी देर तक इसको चलाना है। और उसके बाद थाली में थोड़ा सा घी डाला है और घी डाल के पूरी थाली में लगा देना है घी को। और बस अब इसको, ये देखिए, इसको पलट देना है इसमें थाली में, और इसमें आप जो भूरा आता है उसका, नारियल का भूरा, वो भी डाल सकते हैं, उससे और टेस्टी लगती है। मैंने वैसे भी कई बार बनाया था लेकिन आज मेरे पास भूरा नहीं था तो मैंने ऐसे ही बना लिया। ऐसे भी ये बहुत टेस्टी बनती है, अच्छी लगती है। और प्रसाद के लिए मैंने आज यही बनाया, और ऊपर से भी जैसे जब फैलाने लगते हैं ना तो वो चिकना नहीं होता, उसके लिए ऊपर से आधा चम्मच थोड़ा सा घी मतलब डाला था, और उससे चम्मच से ही एकदम मतलब एकदम चिकना सा पूरी थाली में फैला लिया है। और थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको काट सकते हैं, ईजिली आसानी से कट जाएगा। लेकिन मुझे जाना है मंदिर में, पूजा की तैयारी करनी है, तो मैंने तुरंत के तुरंत ही इसको चक्कू लेकर काट लिया है। उसके बाद इसके ऊपर आप मन चाहा शेप इससे काट सकते हैं किसी भी तरह से, तो मैंने चौकोर चौकोर सा काटा है, और ऊपर से बादाम से बस इसको सजा रही हूँ। तो बादाम, पिस्ता या फिर जो गुलाब की पंखुड़ियाँ होती हैं, किसी से भी इसको सजा दीजिए। तो मेरा मीठा बनकर हो गया है तैयार, और चलती हूँ अब मैं मंदिर में पूजा करने के लिए। प्रसाद रख दिया, फूल वगैरह पहले ही तोड़ा था, तो बर्तन जितने भी रहते हैं ये सुबह के सुबह भी धुले जाते हैं और शाम को भी धुले जाते हैं। और आज मौसम थोड़ा सा धुंधला सा हो रहा है, शाम को हवा चल रही है बहुत तेज तेज से, मौसम काफ़ी गर्म हो रहा है, गर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं, तो शायद बारिश हो जाए तब थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाएगा। और अक्सर जिस दिन मुझे पूजा करनी रहती है ना, उस दिन गुड़हल के, गुलाब के सुंदर सुंदर फूल खिले रहते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और यहाँ पर मैं ये होम बना रही हूँ, तो कई बार कई लोगों ने पूछा, तो मैंने कहा आज दिखा देती हूँ। तो ये हवन सामग्री मिलती है मार्केट से, वो ले आती हूँ मैं, वो रखा रहता है बड़ा पैकेट, तो थोड़ा सा उसको ले लिया है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा देसी घी, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा अक्षत और थोड़ा सा जौ, यही इतनी चीज़ें इसमें मिला दूंगी, और मिलाकर इसको तैयार करके बस ऐसे ही रख दूंगी। बहुत थोड़ा सा होम हो जाता है, होम बोलते हैं, हवन तो जो पंडित जी वगैरह कराते हैं उसको हवन बोला जाता है, यहाँ तो होम हम लोग घर में यही बोलते थे, होम हो गया। तो बस इसको ऊपरी को मैंने थोड़ा सा घी और कपूर वगैरह डाल के जला लिया था, और उसके बाद बस देखिए आज काफ़ी धुआँ धुआँ हो गया है। पीजिए, आप लोग भी प्रसाद खाइए, माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखें और मुझ पर भी बनाए रखें। तो ये प्रसाद आज मैंने जो बनाया है, दीपू याद आया कब बनाती थी मैं? स्कूल में, स्कूल टाइम में इनकी मैडम भी तारीफ करती थी और बोलती थी मम्मी से बोलना वही बना के देंगी। तो बहुत दिनों के बाद मैंने आज ये बनाया है ये रेसिपी, और माता रानी को भी प्रसाद में भोग में लगा दिया है और आप लोगों को भी खिला दिया है। अब मैं तो अभी बाद में लूंगी। और आज मंदिर में ना मेरी बिंदी गिर गई थी, पूजा करते वक्त ध्यान गया कि बिंदी पता नहीं कहाँ गिर गई, तब मैंने माता रानी का जो टीका लगाया था उसी में से मैंने भी अपना टीका ही लगा लिया। मैंने कहा कोई नहीं, ये भी बिंदी का, पहले के समय में बिंदी की जगह ऐसे टीका ही लगाते थे, यही लगा के मैंने कर लिया है। और इसको निकाल कर इस तरह से सजा लिया है, और ये मतलब बहुत कम चीज़ों से और आसान और अच्छी भी लगती है। तो प्रसाद में मैं जल्दी जल्दी सी कोई चीज़ बनानी थी तो यही बना लिया था, और थोड़ी देर मैंने कहा चाय वगैरह पी लेती हूँ, पानी पिया, चाय पिया, इसके बाद लगती हूँ। तो दीक्षा ने चाय बनाकर दे दी थी मुझे, और वो सब करने के बाद तब लग गई हूँ मैं खाना बनाने में। और आज मैंने सब्जी में बनाई है लौकी की, लौकी की सब्जी, सिंपल जीरा और मिर्च डाल के, हल्दी नमक थोड़ा सा डाला है, उसी कुकर में ही छौंक के बना लिया है।
और सब्जी तैयार हो गई है और अब बनाने जा रही हूँ रोटियाँ। तो आप लोगों में से कई लोग ये बोलते हैं कि रोटियाँ नहीं खानी चाहिए व्रत वाले दिन, पूड़ी वगैरह, लेकिन मैं बचपन से ही देखती आई हूँ, मेरे मम्मी डैडी लोग ना मंगलवार का और गुरुवार का मतलब वीरवार का व्रत रखते आए हैं बचपन से, अभी तक अभी भी रखते हैं व्रत। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ हम लोग के मायके, मतलब मम्मी डैडी लोग बहुत पूजा पाठ करने वाले हैं, तो सब कुछ उनसे देख कर सीखा है। और ये चीज़ें भी वो लोग, ऐसा ज़रूरी नहीं है, पूड़ी भी खाते हैं, पराठा भी, रोटी भी, सब खाते हैं। तो मुझे होती थोड़ी सी दिक्कत, जैसे व्रत वाले दिन अगर मैं रात में पूड़ियाँ वगैरह खा लेती हूँ ना, मेरे सर वगैरह में वैसे भी दर्द होने लगता है, थोड़ी दिक्कत है। ऑयली चीज़ें नहीं खाना चाहती, इसलिए मैं कई बार रोटी खा लेती हूँ। और मैं यही सोचती हूँ कि मतलब मम्मी डैडी को जो देखा है, मन करता है ना, जो हम अपने बचपन से देखते आए हैं माँ बाप को करते, अक्सर वो चीज़ें हम करते हैं। और कई बार लोगों की भी बातें सुन के होता है, लेकिन मन ना कभी इधर रहता है, कभी उधर रहता है, और मैं मतलब जैसा जो ठीक लगता है कई बार मैं वही करती हूँ। तो मुझे ऐसा इसमें कुछ गलत तो नहीं लगता है ऐसा कुछ में जहाँ तक। और आप लोग कई बार वैभवलक्ष्मी माता के लिए पूजा के लिए पूछते हैं, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ और यही कहना चाहूँगी कि किताब लेकर, किताब में सब कुछ लिखा रहता है, उसी से मैं सब कुछ करती आई हूँ, मैंने किसी से नहीं पूछा था, जो किताब में लिखा रहता है वही, उतना ही व्रत में हमेशा से करा है मैंने। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है और सुबह सुबह थोड़ा सा छत पे आकर वॉक कर रही हूँ क्योंकि अभी गर्मी भी बढ़ गई है और सुबह सुबह अच्छा लगता है ऊपर आने में, थोड़ी देर इसके बाद फ्रेश हो जाएगा मन थोड़ा सा यहाँ हवा में ठंडी ठंडी घूम के, फिर चलूँगी नीचे काम वगैरह करूँगी। और रात में मैंने वीडियो एंड नहीं किया था तो मैंने कहा ऐसे घूमते घूमते आप लोगों से दो चार बातें हो जाए और वीडियो को यहीं पे एंड कर दिया जाए। और आज है दिन शनिवार और आज महीने का लास्ट डे है, 30 तारीख है, तो बच्चों का आज हाफ डे होगा तो लंच वगैरह नहीं लेके जाएंगे, पर अभी चलूँगी नीचे लगूँगी काम में। और चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड किया जाए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। तो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाय बाय।